ये तब्दीली नहीं लेके आए, ये तबाही लेके लो। नवाज शरीफ बब्बर शेर, शहबाज शरीफ शेर है, अब भी उनको ले आए, सब कुछ सही है। वो तो गुंडी औरत बनी हुई है। पहले उन्हें मजिस्ट्रेट को, वो सियाल को कि मजिस्ट्रेट को, एसपी को, उसको उन्हें बेइज्जत। साहब ने तो अच्छा बजट पेश कर दिया, बहुत अच्छा बजट किया, लफ्जों में क्या सस्ता किया, घी सस्ता आम आदमी के लिए, आटा सस्ता किया आम आदमी के लिए, कोई चावल वगैरह किया नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ में आप ले सकते हैं। अब भी मौका, दो साल है, इज्जत से चले, बेइज्जत होके जाएंगे, ज्यादा बेइज्जत होके जाएंगे। अब भी पीटीआई का किसने टिकट नहीं लाना, क्या है ना? आपको पता, डॉक्टर जो साहिबा जो है हमारी आशिकमान, उनको उन्होंने थप्पड़ मारा हमारे एमपी को, क्या उन्होंने सही किया थप्पड़ मारा? वो तो गुंडी औरत बनी हुई है। पहले उन्हें मजिस्ट्रेट को, वो सियाल को कि मजिस्ट्रेट को, एसपी को, उसको उन्हें बेइज्जत किया, ये कोई हुकूमती रवैया तो नहीं है ना, ये तो ज्यादती है। तो इमरान खान ने इसीलिए उनको, उसको रखा हुआ है ज्यादती करने के लिए। मंदोखेल आदमी है, मर्द है, उसको उसके थप्पड़ मारा, उसको गले को पकड़ा, अगर वो मंदोखेल उसके गले को पकड़ लेता तो फिर इसने मासूम औरत बन जाना था, इसने मासूम औरत बन लेना था, वो मर्द बन गया, उसने इसका लिहाज किया। अगर वो थप्पड़ मारता ना तो फिर बराबरी की बात होती, लेकिन उसने ज्यादती की है, फिर भी उसने सब्र और हम्बल का मुजाहरा किया है। चाहिए तो था मंदोखेल बराबर का काम करता, अगर ये भी तो कर सकते, अगर वो थप्पड़ ना, गुस्से से बाहर भी तो उठ के जा सकती थी। दोबारा पूछिएगा, अगर वो गुस्से से उठ के बाहर चले जाती, शो को मूव करवा देती, ये भी तो कर सकती, अगर थप्पड़ ना मारती वो तो। चाहिए था ना, ये तो सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, उसकी आशीर्वाद है उसके पीछे, इमरान खान की आशीर्वाद है उसको। वो तो हुकूमती बिल्कुल, वो कह रहे पंजाब का नुमाइंदा, वो तो खुद कह रही है मैं अब भी वजीर इत्तला हूँ, मैं तो वो खुद अपने मुँह से कह रही है मैं वजीर अब भी इत्तला हूँ। तो वो ज्यादती करती है, गुंडे दर्दी के नीचे रखी हुए, गुंडा गर्दी करने के लिए उसने उसको रखा हुआ है। और उसका काम क्या है, क्या उसकी कारकर्दगी है पंजाब में, वफाक में, क्या कारकर्दगी है? सिर्फ झूठ का दिफा करना, सिर्फ झूठ का दिफा करना, सिर्फ झूठ का दिफा करना। ये तब्दीली नहीं लेके आए, ये तबाही लेके लोग आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब इनको यहाँ से जाना चाहिए, मैम अब भी मौका, दो साल है, इज्जत से चले जाएं, बेइज्जत होके जाएंगे और ज्यादा बेइज्जत होके जाएंगे। अब भी मौका, पीटीआई का किसने टिकट नहीं लेना, अब भी मौका है, जल्दी चले जाएं, अब भी मौका चला जाए। साहब ने तो अच्छा बजट पेश कर दिया, बहुत अच्छा बजट किया, लफ्जों का हेर फेर है, क्या सस्ता किया, घी सस्ता किया आम आदमी के लिए, आटा सस्ता किया आम आदमी के लिए, कोई चावल वगैरह सस्ता किया नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ में आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते। चाहिए था बुनियादी चीजें सस्ती करते, वो नवाज शरीफ शेर था, बब्बर शेर था, ये शहबाज शरीफ शेर है। सर गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए थी या पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, हर चीज सस्ती, आम आदमी की हर बुनियादी चीज सस्ती होनी चाहिए, जो भी है आम आदमी की हर चीज होनी। ये सिर्फ लफ्जों की हेर फेर है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। सर आपको क्या लगता है ये बजट जो है ये सही है? मैम ये तो सारा सर गलत है ना, ये तो मैंने कह रहा हूँ लफ्जों का हेर फेर है, इसमें कुछ भी नहीं है, लफ्जों का हेर फेर है, कुछ भी नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये हुकूमत आई है, पीछे सिलेक्टर है, ये आपको भी पता है, बच्चे को पता है, बूढ़े को भी पता है, फकीर को भी पता है, अंधे को भी पता है, ये सिलेक्टर लोग हैं। नवाज शरीफ बब्बर शेर था, शहबाज शरीफ शेर है, अब भी उनको ले आए, सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो बुन्नू खान को उन्होंने मारा, ये बर्दाश्त क्यों किया? वो उनका सब्र था, सब्र था, बर्दाश्त कर, अगर वो आप मुसबत जवाब देते ना तो फिर ज्यादा, फिर मैंने कहा ना वो औरत बन जाना था उसने, फिर उसने औरत बन जाना था, मासूम हो जाना था, उसका लिहाज किया। अब भी है उसके पास ऑप्शन, कभी ना कभी तो कोई मुलाकात होगी ना, होगी मुलाकात इंशाल्लाह, उसका जवाब उसको मिलेगा। ना मैं नवाज शरीफ पार्टी का हूँ, ना मैं पीटीआई का हूँ, ना हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं उसके साथ हूँ। सर पर दोस्त आशिकमान साहिबा को आप क्या पैगाम देना चाहिए? उसको झूठ मारना छोड़ दें, झूठ मारना मैडम छोड़ दो, छोड़ दो झूठ मारना, कल को खुदा को, रसूल पाक को अपने शक्ल दिखानी है, झूठ मारना छोड़ दो, कुछ नहीं इमरान खान ने देना, खुदा से डरो, खुदा से डरो, खुदा से डरो।